तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डाबर इंडिया के स्टॉक के बारे में। डाबर इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर स्टॉक ने रिकवर करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाईस को यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया और आज अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.82% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हमें स्टॉक में बात करें यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 533 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 525, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 514 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 503 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टेप पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 540 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 555, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 572 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 587, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 596 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 611 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टॉप पर रेजिस्टेंस। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।